ओ भाई ये क्या हो गया? ओ भाई धुआं निकल रहा है भाई, कूलेंट लीक कर गया गाड़ी पे, ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो भाई आज है हमारा लास्ट दिन राजस्थान में, और अभी हम जहाँ रुके हुए हैं वो जगह है नोखड़ा। तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 7:15 सुबह के, और प्लान है जल्दी निकलने का क्योंकि ऑलमोस्ट 12 घंटे लगते हैं पहुँचने में। अभी प्लान तो था थोड़ा और जल्दी निकलें, बट अभी आहिस्ते के थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी थोड़ा वो रेस्ट ले रहा है। अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई हम सिर्फ एक कप दूध पी रहे हैं और कुछ भी खाने का मन नहीं है मेरा इस टाइम ना, तो हमने फिर मेनली पैक ही करा लिया रास्ते के लिए, वहीं खा लेंगे रास्ते में जब भूख लगेगी। अभी तो बस एक गिलास दूध पी रहे हैं और फिर निकल रहे हैं यहाँ से सीधा दिल्ली। चौथा टोल आ गया है और यहाँ भी फास्ट टैग नहीं है, मैनुअली है, और पैसे भी हैं भाई 60 रुपए। A few moments later. तो गाइज अब पहुंच गए बीकानेर से 200 किलोमीटर आगे सरदार शहर के पास। तो भूख भी लगाई थी, 12 बज गए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो खाना खोल लिया है, वहां से खाना पैक कर दे दिया था हमें। खाना इतना ज्यादा दे दिया ना यार कि ये देखो, शाही पनीर, पापड़, भुजिया, बर्फी, और इसमें 3-4 तरह का चार, भाई वाह, और पराठे। Nice. खाना पीना खाते हैं, उसके बाद दिल्ली दिखा रहा है करीब। अब खाना पीना खाते हैं, उसके बाद दिल्ली। अब तो गाइस इतना टेस्टी ना खाना हो गया है कि सब कुछ इतना लाजवाब था ना, खाने में मजा ही आ गया यार। और कहते हैं ना कि जिसे कहते जंगल है मंगल, आज तो वो हो गया कि खेतों के बीच में खड़े हो गए, आराम से खाना खाया, पेड़ की ठंडी ठंडी छाया है। ये देखो मेरे पीछे कितना घना पेड़ है, ये इस पेड़ की छाया लेते हुए ना आराम से खाना खाया है। और अब यहाँ से निकलते हैं, अब रुकेंगे सीधे कहीं रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, क्यों जल्दी जल्दी रुकेंगे तो फिर तो रात को लेट हो जाएंगे। तो अब 2 घंटे के बाद ना सीधे चाय के लिए ही रुकते हैं। अरे कौवे भाई अब निकल रहे हैं, और आज तक की तबीयत थोड़ी ठीक ठाक लग नहीं रही, तो क्या हमारा बीच में रुकना भी पड़ जाए हमें, है ना। तो ये महाराज जी फिर से गाड़ी रुकवाएंगे, सोते तो आ ही नहीं है ये, है ना। हेलो नमस्ते भाई जी, क्या भोग Two seconds later. ओ भाई ये क्या हो गया? ओ भाई धुआं निकल रहा है, ओ भाई। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दे। गाड़ी अभी गरम, गाड़ी तो बहुत गरम हो गई भाई। ये क्या हो गया भाई, रास्ते में बीच रास्ते में भाई इमरजेंसी। तो भाई हरियाणा एंटर कर लिया है, और यहाँ से दिल्ली अपना, मतलब दिल्ली नहीं अपना घर बचा है करीब 160 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी नारियल पानी का ब्रेक ले लिया है, और थोड़ी गाड़ी भी हीट वीट हो रही थी, वो तो अभी जो आपने क्लिप देखी होगी धुआं जो निकल रहा था। तो अभी इसको पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं, नाले पानी वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। 15 minutes later. भाई फिर रुकना पड़ गया यार, 10 किलोमीटर बाद फिर से हीट हो गया इंजन, भाई क्या ही हो रहा है ये गाड़ी में। ओ भाई भाई पानी डालना पड़ रहा है भाई हर 10 किलोमीटर बाद, भाई कूलेंट लीक कर गया गाड़ी का, ये देखो। ओ भाई बड़ा पंगा हो गया ये तो, शिट भाई शिट। तो भाई अभी फिर से निकल गए, तो अब देखते हैं, होप कि फिर से ना लीक हो जाए। तो भाई 2 घंटे के हमें पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे भाई, भाई गलत सीन हो गया भाई ट्रिप के एंड में, भाई गलत सीन हो गया भाई। A few moments later. भाई स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, क्या भाई ऐसा मत बोल भाई, इतना भाई अभी अभी ना, हाँ ये कर लो पहले। अभी भाई मैं सो रहा था, मुझे आईता उठा के बोलता है भाई गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है,
12 seconds later. भाई तीसरी बार भाई साहब रुकना पड़ गया है. ओ भाई क्या ही हो रहा है हमारे साथ भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. ओ भाई एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास भाई, धक्का लगाना पड़ेगा. ये क्या हो गया? धक्का लगाऊंगा तो लगाना पड़ेगा, हम दोनों ही लगाएंगे भाई. लगाएगा गजब बेइज्जती है. ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. अब अंकल गए हैं किसी मैकेनिक को ढूंढने. हट यार, मूड ऑफ हो गया भाई पूरा. शिट भाई, भाई मैकेनिक तो अब सीधा यहाँ पर आ गए और अब ये इसको इस टेम्पू से बांध के लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर तक. भाई ये तो गलत सीन हो गया आज भाई साहब. अब तो भाई बज गया, अब तो पहले तो 7-8 बज रहे थे घर पहुँचने में, अब बजेंगे करीब 8 या 8 क्या बोल रहा हूँ भाई, अब बजेंगे 10-11-12 बज जाएंगे रात के. भाई गलत सीन. भाई पहुँच गए हैं एक मारुति का कहते हैं सर्विस सेंटर है यहाँ पर. भाई लकीली मिल गया हमें इसी रोड पे अपनी 1 किलोमीटर दूर था करीब. अब यहाँ पर आ गए हैं. अब देखो यार भाई, हो भाई जल्दी ठीक हो जाए भाई, नहीं तो कैब से घर जाना पड़ेगा भाई. भाई भाई ने इतनी मदद करी, अब ये भैया मिल गए, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मेरी मदद करी, यहाँ पर गाड़ी पहुँचा दिया, नहीं तो फंस ही गया. तो भाई हमने कैब बुक कर लिया, अब जा रहे हैं हम अपने घर. ऐसे मत देख भाई, ऐसे मत देख, अब हमें डालना तो पड़ेगा ही ना. तो हमने अब कैब बुक कर लिया और अब हम घर जा रहे हैं. कोई और ऑप्शन तो था नहीं हमारे पास. उनकी 6 बजे वर्कशॉप बंद हो रही थी तो वो कह रहे थे सर कल ही हो पाएगा जो हो पाएगा, तो इसलिए हमने गाड़ी वहाँ छोड़ दी है. अब देखते हैं क्या है, प्रॉब्लम बताते हैं वो लोग. अब तो हम घर जा रहे हैं यार, मूड ऑफ हो गया, तो अब और लॉन्ग नहीं करूँगा मैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक नमस्कार, जय.